थोड़ी कुछ आयुर्वेदिक दवाएं ले लीजिए जो घर में ही है। जैसे एक बहुत अच्छी दवा आपके घर में है, दालचीनी। दालचीनी मसाले के रूप में आप यूज करते हैं, वो आप खाइए। पत्थर में पीस के पाउडर बना के आधा चम्मच दालचीनी रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ। और अगर थोड़ा खर्च कर सकते हैं तो दालचीनी को शहद के साथ लीजिए, आधा चम्मच शहद आधा चम्मच दालचीनी गर्म पानी के साथ, बहुत अच्छी दवा है हाई बीपी के। दूसरी और एक अच्छी दवा है, आप चाहें तो वो उसे भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक, या तो वो या तो वो। दूसरी दवा है मेथी दाना। मेथी दाना आधा चम्मच लीजिए, एक गिलास गर्म पानी में रात को भिगा दीजिए, रात भर पड़ा रहने दीजिए उसको पानी में, सवेरे उठकर पानी को पी लीजिए और मेथी दाने को चबा के खा लीजिए। ये बहुत जल्दी आपका हाई बीपी ठीक करेगा, 1.5 से 2 महीने में बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। और एक तीसरी दवा है हाई बीपी के लिए, अर्जुन की छाल। अर्जुन एक वृक्ष होता है, कहीं भी मिलता है, छत्तीसगढ़ में तो शायद हर जिले हर गांव में मिल जाता है। ये वृक्ष का जो तना होता है वहां से कुछ छाल उतरती है सूखी, वो बाजार में मिलती है, आप खरीदेंगे तो 25-30 रुपए किलो में मिलेगी, बहुत सस्ती। इस अर्जुन की छाल को धूप में सुखा के पत्थर में पीस के बना लीजिए इसका पाउडर, आधा चम्मच पाउडर आधा गिलास गर्म पानी मिला के ले लीजिए। बहुत अच्छा होगा कि आधा चम्मच अर्जुन छाल पाउडर को आधा गिलास गर्म पानी में उबाल दें और खूब उबलने के बाद इसको चाय की तरह से पिए। ये हाई बीपी को ठीक करेगा, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स को ठीक करेगा, मोटापा कम करता है ये, हार्ट में अगर कहीं आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज को भी ये निकाल देता है अर्जुन की छाल। डॉक्टर्स जिनके बारे में ये कहते हैं ना कि दिल कमजोर है आपका, अगर दिल कमजोर है तो आप जरूर अर्जुन की छाल लीजिए हर दिन, दिल बहुत मजबूत हो जाएगा आपका। ESR ठीक होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए, बहुत अच्छी दवा है ये अर्जुन की छाल। और एक अच्छी दवा है अपने घर में, उसका नाम है लौकी का रस। 1 कप लौकी का रस रोज पीना सवेरे खाली पेट, नाश्ता करने से 1 घंटे पहले। और इस लौकी के रस में धनिया पत्ता पुदीना पत्ता तुलसी पत्ता, 5 धनिया पत्ता 5 पुदीना पत्ता 5 तुलसी पत्ता मिला के 3-4 काली मिर्च पीस के ये सब डाल के पीना, बहुत अच्छे से आपका बीपी ठीक करेगा और ये हृदय को भी बहुत व्यवस्थित कर देता है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने पिछले 10 वर्षों में करोड़ों भारतवासियों को लौकी का रस पिलाया और गंभीर रोग ठीक हुए उनके, डायबिटीज ठीक हुई, हाई बीपी ठीक हुआ। आज स्थिति ये है कि जो लौकी कभी 2 रुपए किलो बिका करती थी अब वो 20 रुपए किलो हो गई, क्योंकि डिमांड बढ़ी ना तो कीमत बढ़ गई। हमें इसका कोई अफसोस नहीं, अगर थोड़ी कीमत भी बढ़ी तो फायदा किसी किसान को ही मिलेगा। आप चाहें तो लौकी को अपने घर में भी लगा सकते हैं, थोड़ी भी कच्ची जमीन है लौकी आराम से होती है। और लौकी के बारे में कहा जाता है कि खराब से खराब जमीन में पैदा हो जाए, घर में भी लगा सकते हैं, छत में लगा सकते हैं। अगर आपकी छत है, एक गमला है ना, गमला मिट्टी का, उसी में लौकी लग जाए, एक बीज डालिए बेल हो जाएगी, लौकी पूरी आएगी। और इसके 2 फायदे हैं, छत पे लौकी की बेल फैला दीजिए तो नीचे का तापमान कम हो जाएगा अंदर का, लौकी तो मिलेगी फ्रेश, घर के अंदर का तापमान कम हो जाए, करके देखा मैंने। और इसमें कम से कम 3 से 4 डिग्री का फर्क आ जाता है घर के तापमान, तो अंदर की गर्मी आप कम कर पाएंगे और आपको फ्रेश लौकी मिल जाएगी। मैंने इसका हिसाब निकाला था कि 100 वर्ग फीट की छत अगर किसी के भी पास है, 10 फीट लंबी 10 फीट चौड़ी, तो इसमें कम से कम 100 वर्ग फीट की छत में 5,000 रुपए की लौकी पैदा कर सकते हैं।
खुद खा सकते हैं, पड़ोसियों को खिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत भरपूर फल देने वाली है। बेल क्रीपर है, सूर्य के प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करके काम करने वाला ये पौधा है। तो आप लौकी का रस पिए, बहुत अच्छा है, हाई बीपी भी ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखेगा, ट्राइग्लिसराइड ठीक होंगे, डायबिटीज में भी काम आता है, शुगर को भी ठीक कर देता है, कई काम कर देता है। और एक दवा बताता हूँ, बहुत अच्छी दवा है, बिल्कुल मुफ्त की दवा है वो, तो बेल पत्र के पत्ते, ये हाई ब्लड प्रेशर में बहुत काम आते हैं, आप इसको उपयोग करिए। 5 पत्ते ले लीजिए बेल पत्र के, पत्थर में पीस के बनाइए उसकी चटनी, और जो चटनी बन गई बेल पत्र के पत्ते की, उसको 1 गिलास पानी में डाल के खूब गर्म कर दीजिए, इतना गर्म करिए कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पी लीजिए। ये सबसे जल्दी हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, और ये बेल पत्र आपके शुगर को भी नॉर्मल कर देगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों है, उनके लिए ये सबसे अच्छी दवा है बेल पत्र। शुगर भी ठीक होगी, ब्लड प्रेशर भी ठीक होगी। और ये बेल पत्र वही है जो हम शंकर भगवान को अर्पित करते हैं। मेरा एक निवेदन है कि आप जब शंकर भगवान को बेल पत्र अर्पित करते हैं, तो शंकर जी का स्पर्श करा के ये वापस ले आइए, क्योंकि ये प्रसाद है। आप वहां मंदिर में छोड़ देते हैं बेल पत्र को, पुजारी क्या करता है, वो इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। मैंने इसका हिसाब निकाला था कि जितने शंकर जी के मंदिर भारत में हैं, सावन के महीने में, सावन का महीना सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पूजा पाठ का महीना होता है, तो श्रावणी 4 सोमवार, कभी कभी 5 आते हैं, उन 5 सोमवारों को जितना बेलपत्र हमारे मंदिरों में चढ़ा दिया जाता है, अगर वही हम इकट्ठा कर लें और उसको सुखा के पाउडर बना लें, तो 20 करोड़ भारतवासियों का हाई ब्लड प्रेशर उससे ठीक किया जाता है। हाई बीपी भी ठीक कर पाएंगे हम, शुगर भी ठीक कर। अब होता यह है कि हम तो बेलपत्र छोड़ के चले आते हैं, पुजारी को कोई काम नहीं है उसका, वो बेचारा अगले दिन सफाई करके फेंक देता है कचरे में, और कहाँ जाता है वो तो मुझे मालूम नहीं, कोई जानवर भी खा ले तो भी अच्छा है। लेकिन मेरी आपसे यही दरखास्त है, निवेदन है कि आप शंकर जी को बेलपत्र जरूर अर्पित करिए, लेकिन उनको स्पर्श करा के वापस ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए शंकर जी ने दिए हैं। शंकर जी को तो कोई हाई बीपी नहीं है, ना उनको डायबिटीज, ये तो आपकी समस्या है। और बेलपत्र इतना है भारत में, शायद इसलिए क्योंकि पता है भगवान को कि हम इन बीमारियों में फंसे हुए, इसलिए हर गांव में बेलपत्र का पेड़ मिल जाएगा। तो ये ईश्वर ने आपको बिल्कुल मुफ्त दिया है, लेकिन ये बहुत कीमती है, कॉस्ट इसका शायद 0 है, लेकिन वैल्यू बहुत है इसकी, फालतू बर्बाद मत करें। अगर यहाँ कोई पुजारी जी बैठे हैं तो उनको निवेदन है कि अगर मंदिर में बेलपत्र आ रहे हैं तो उनको फेंकिए मत, सुखाइए, पत्थर में पिसवा के पाउडर बनाइए और उसकी पुड़िया बना के भक्तों को वापस दे दीजिए, ये प्रसाद है शंकर जी का। और उनको कहिए कि वो पानी में उबाल उबाल के पीते रहे, ताकि हाई बीपी भी ठीक रहे और शुगर भी ठीक। बहुत अच्छी दवा है। और एक बढ़िया दवा बताता हूँ आपको हाई बीपी के लिए, वो भी बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी इस देश में। गाय मूत्र पिए 1/2 कप रोज सुबह खाली पेट। हमारी भारत की जो गाय है, जिसको हम देशी गाय कहते हैं, स्वदेशी गाय कहते हैं, इसका 1/2 कप मूत्र रोज सुबह खाली पेट कोई भी पिए, हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होता है। और ये गोमूत्र बहुत अद्भुत है, ये हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, ये लो बीपी को भी ठीक कर देता है, दोनों में काम आता है। और यही गोमूत्र डायबिटीज को भी ठीक कर लेता है। अगर आप खाली गोमूत्र पी रहे हैं तो आपकी शुगर भी ठीक होगा, बीपी भी ठीक होगा, और ये गोमूत्र पिए ना तो घुटने का दर्द भी ठीक होता है, अर्थराइटिस, गाउट दोनों ठीक होते हैं। ये अगर गोमूत्र आप पी रहे हैं तो दमा भी ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है, ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो जाता है गोमूत्र से। हमने परीक्षण करके देखा है कि अगर किसी व्यक्ति को आप एलोपैथिक मेडिसिन दें ट्यूबरकुलोसिस के लिए, उसको 9 महीने लगते हैं ठीक होने,
लेकिन उसी पेशेंट को गोमूत्र पिला दो तो 3 महीने में ठीक हो जाए। और एक रोचक बात बताता हूं कि जिनको हम एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, उनको ट्यूबरकुलोसिस बार बार आती है। एक बार ठीक होगी, थोड़े दिन में फिर आ जाएगी, फिर ठीक होगी, फिर आएगी। लेकिन जिनको गोमूत्र पिला दिया उनकी ट्यूबरकुलोसिस एक बार ठीक होती है, दोबारा नहीं आती। इतना प्रभावी है, आप इसे बिल्कुल मत भूलिए। ट्यूबरकुलोसिस के केस में अस्थमा है, दमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, माइग्रेन है, हेडेक है, आपके शरीर में वजन ज्यादा है, मोटापा है, आपके जॉइंट स्टेन की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, गाउट है। हमने 48 बीमारियों में इसका परीक्षण किया है और ये बहुत बढ़िया दवा है, बहुत अच्छी दवा। इसलिए गाय मूत्र को अमृत के समान माना गया भारत के आयुर्वेद। आप जरूर इसका उपयोग करें। बस इसमें 2 सावधानी है। पहली सावधानी तो मैंने बता दिया कि गाय मूत्र लेना तो वो गाय स्वदेशी होनी चाहिए, विदेशी गाय का नहीं लेना। भारत में गाय भी विदेशी है, जर्सी, होलिस्टीन, फ्रीजियन, उसका मूत्र अच्छा नहीं, वो मत पीना। जो स्वदेशी गाय है उसी का लेना। आप ये पूछोगे पहचान कैसे करें स्वदेशी गाय की, बहुत आसान है। जिस गाय का शरीर ऊपर से आप देखो, उसकी पीठ ऐसे सपाट है, प्लेन, वो सभी विदेशी गाय है। और जिस गाय की पीठ पर ऐसे करके कंधा निकला हुआ है पीछे, वो सभी देशी गाय है, भारत की गाय। तो ऐसे कंधा निकला हुआ अगर अच्छे से निकला है, बढ़िया, तो वो सबसे अच्छी गाय है, उसी का मूत्र पीना है। और दूसरी एक सावधानी है कि गाय का मूत्र जब आप लेंगे तो वो गाय गर्भावस्था में नहीं होनी चाहिए। अगर गाय गर्भवती है तो उसका मूत्र नहीं लेना, और ये तो पता आपको हो ही जाएगा वो गर्भवती है या नहीं। गर्भवती गाय के मूत्र से एसिडिटी बढ़ जाती है, ये गर्भवती गाय का मूत्र एसिडिक हो जाता है। वैसे गाय का मूत्र जो है ना वो एल्केलाइन है, क्षारीय है, लेकिन जब गाय गर्भावस्था में होती है तो मूत्र उसका एल्केलाइन नहीं रहता, वो एसिडिक हो जाता है, और वो एसिडिक मूत्र आपको तकलीफ करेगा, इसलिए वो आप नहीं लेना। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि कुमारी गाय का मूत्र लेना, जो माँ नहीं बनी उसका लेना, जो बछड़ी है, बछिया है, उसका लेना, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है गोमूत्र लेने का। आगे चलें, कुछ और बीमारियों की बात करूं। अभी हाई बीपी तो हो गया, इतनी दवाएं, लेकिन बस मेरा निवेदन है कि जितनी मैंने दवाएं बताई इनमें से कोई एक ही लेनी है आपको। हाँ, आप दालचीनी चाहो तो दालचीनी ले लो, आप मेथी का दाना चाहो तो मेथी का दाना ले लो, लौकी का रस चाहो तो लौकी का रस ले लो, बेलपत्र चाहो तो बेलपत्र का काढ़ा, एक ही लेना, और प्राणायाम के साथ, तो बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएंगे। आगे चले लो बीपी। लो बीपी की एलोपैथी में तो कोई दवा नहीं। देखो आप, आयुर्वेद में बहुत दवाएं हैं, भरपूर दवाएं हैं लो बीपी। सबसे अच्छी दवा है गुड़। ये जो गुड़ है ना, ये पानी में घोल के, नमक मिला के, नींबू का रस डाल के पी, 1 गिलास पानी, 15-20 ग्राम या 25 ग्राम तक गुड़ मिलाओ, और उसमें डालो नमक और डालो नींबू का रस और पियो। दिन में 2-3 बार पी लो, लो बीपी सबसे जल्दी ठीक होगा इससे। और एक अच्छी दवा है लो बीपी की, बहुत बढ़िया दवा, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो रोज अनार का रस पियो, नमक डाल, बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होगा। अनार का रस, गन्ने का रस पियो नमक डाल के, ये भी लो बीपी ठीक करता है। संतरे का रस पियो नमक डाल के, ये भी लो बीपी ठीक करता है। अनन्नास का रस पी सकते हैं नमक डाल के, ये भी लो बीपी ठीक करता है। और एक बढ़िया दवा बताता हूँ लो बीपी की, मिश्री और मक्खन मिला के खाओ, ये लो बीपी की सबसे अच्छी दवा है। मक्खन वो जो घर में आप निकालते, बाजार वाला नहीं, दही बना के उसमें से मक्खन जो निकलता है वो मक्खन ताजा और मिश्री मिला के खाओ। श्री कृष्ण भगवान की डाइट है मक्खन मिश्री, रोज खाते थे और इसी की ताकत से कंस को मारा।
जरासंध को मारा, इसी की ताकत से मारा। मतलब मैं आपको बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, मक्खन खाने से मत डरो। जब श्री कृष्ण खाते थे तो आप भी खाओ। आप कहेंगे कि डॉक्टर तो मना करता है। हाँ, डॉक्टर मना करता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को जो पढ़ाया गया है वो मक्खन के बारे में नहीं पढ़ाया गया। मक्खन तो सिर्फ भारत में होता है। डॉक्टरी की जो पढ़ाई है इसका सिलेबस तो आप जानते हैं, यूरोपियन अमेरिकन, और वहां मक्खन कौन सा है? पाश्चराइज, वो खतरनाक है, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। लेकिन हम जो दही में वो चलाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मथानी, रही दही में मथानी चला के जो मक्खन निकलता है, ये सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाला फैट है। इससे जल्दी कोई चीज नहीं हजम होती है। और मक्खन के साथ अगर मिश्री मिक्स हो गई तो ये एक दूसरे के ऐसे जबरदस्त दोस्त हैं कि इनका कहना क्या। मेरा तो आप सभी को निवेदन है कि आपके घर के छोटे बच्चों को ये रोज खिलाओ, मक्खन मिश्री और थोड़ा सा काली मिर्च। काली मिर्च है, थोड़ी काली मिर्च डाल दो, मक्खन मिश्री मिक्स करके रोज नाश्ते में दे दो बच्चों को, तो जरूर देना। मिश्री जो है ना चीनी से नहीं बनती, वो खांड सारी से बनती है। चीनी बनाने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है, मिश्री बनाने का बिल्कुल अलग। और मिश्री जब आप खरीदना ना बाजार से, तो मैं बताता हूँ, वो एक गोल बॉल जैसी आती है जिसमें धागा लगा रहता है, वो खरीदना। आजकल मिश्री ऐसी भी आने लगी है जो चीनी जैसी क्यूबिक फॉर्म में, वो मत लेना, वो चीनी से ही बन रही है। जो असली मिश्री है वो बॉल की तरह से होती है, गोल गोल होती है, उसमें धागा लगा रहता है, वो खांड से बनती है। खांड जो है ना चीनी से बिल्कुल अलग चीज है। तो आप वो वाली मिश्री खाओ, मक्खन मिला बहुत बढ़िया। और मिश्री ना मिले तो गुड़ तो है ही, गुड़ और मक्खन खाओ। लो बीपी में इतने अच्छे रिजल्ट है इसके जो किसी मेडिसिन के नहीं, मक्खन गुड़ या मक्खन मिश्री। और एक बढ़िया दवा बताता हूं, लोग भी पीजिए, दूध में घी मिला के पियो, एक गिलास दूध एक चम्मच घी, और घी ये गाय वाला, ना मिले तो भैंस वाला भी चलेगा, लेकिन अच्छा गाय वाला, और गाय वही जो देशी। एक चम्मच घी एक गिलास दूध रोज रात को पी के सो जाओ, लो बीपी बहुत अच्छे से ठीक होगा। और एक बढ़िया दवा है लो बीपी की, वो तो सबसे अच्छी दवा है, सबसे सस्ती है, नमक का पानी पियो, पानी में नमक डाल के पीते रहो। जो सबसे गरीब लोग हैं, जो ना मक्खन खा सकते हैं, ना मिश्री खरीद सकते हैं, ना गन्ने का रस, ना अनार का रस, तो उनको बता दो कि पानी और नमक इतना तो पी सकते हैं, और गुड़ डाल दें तो और भी अच्छा, नहीं डालें तो नमक पानी पीते रहें दिन में 2-3 बार। मैंने देखा है भारत में, मेरा अनुभव है कि ज्यादा गरीब लोगों को लो बीपी की ही शिकायत है। क्यों? खाने पीने को अच्छे से नहीं मिल रहा है, भरपूर नहीं मिल रहा है। तो जिनको खून कम होगा उनको बीपी कम होने ही वाला है। तो उनको इतना हम बता सकते हैं कि नमक घोल के पानी में पीते हैं, बहुत अच्छा है।